अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। विक्रम सिंह पवार ने जैसे ही कहा, मुझे भाषण देने की आदत नहीं, देवास वाले कार्यकर्ताओं से पूछ लो, लेकिन मेरी उत्सुकता हो रही है आपसे बात करने की, तो जय जयकार के नारों से गूंज उठा काला पीपल नगर। जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया, मेरा सम्मान किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं काला पीपल नगर में हूँ कि देवास के एमजी रोड पर घूम रहा हूँ। चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, संगठन का निर्णय कुछ भी हो, मैं आप लोगों का विधायक हूँ और आप मेरे साथी हैं। ये हमेशा के लिए तय हो गया है। अगर संगठन ने तय नहीं किया और किसी कारण से मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाया, तो भी मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूँ कि काला पीपल क्षेत्र की कोई भी समस्या, जरूरत हो, विक्रम सिंह पवार आपके लिए खड़ा है। इस तरह के ओजस्वी और जोश से भरी बातों को सुनकर काला पीपल में महाराज साहब की जय जयकार के नारे गूंज उठे। ये मौका था काला पीपल में गुरुवार को श्रीमंत विक्रम सिंह पवार की पहली बड़ी समरसता रैली का। आज काला पीपल क्षेत्र में जिस कदर से जनसैलाब उमड़ा, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों से लेकर गली चौराहों तक में विक्रम सिंह पवार के नाम की चर्चाएं होने लगी। विक्रम सिंह पवार के नेतृत्व में जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसके बाद संगठन ने जिस उद्देश्य से पवार को काला पीपल क्षेत्र में भेजने का निर्णय लिया, उस पर मोहर लगती नजर आने लगी है। इस समरसता रैली के बहाने विक्रम सिंह पवार के शक्ति प्रदर्शन के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए जीतोड़ मेहनत करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की खोजबीन भी शुरू हो गई है, तो श्रीमंत पवार की टीम भी काला पीपल क्षेत्र में काम करने के लिए कमर कस चुकी है। आज श्रीमंत पवार के नेतृत्व में सैकड़ों वाहनों का काफिला काला पीपल पहुंचा और इस शक्ति प्रदर्शन से विपक्षियों के माथे पर सिकन आ गई, तो संगठन के समर्पित और पवार के करीबी कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भर गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि काला पीपल की चुनौती का सामना करने के लिए राजनीति के गणितज्ञ अमित शाह ने पैलेस के हाथों में कमान सौंपी है। कुछ ही दिनों में यहां की राजनीतिक हलचलों और भाजपा संगठन से मिले फीडबैक के आधार पर यह तय हो जाएगा कि विक्रम सिंह पवार काला पीपल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या फिर संगठन द्वारा तय किए गए प्रत्याशी को जिताने के लिए एक कुशल रणनीतिकार के रूप में कृष्ण की भूमिका में रहेंगे। मुझे भाषण देना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज बहुत उत्सुकता हो रही है कुछ ज्यादा बात करने की आप सब लोगों से। मेरे देवास वाले कार्यकर्ताओं से पूछ लो, स्टेज पे चढ़ता हूं, दो मिनट का भाषण देता हूं, विषय रखता हूं और निकल जाता हूं, लेकिन यहां पे आज जिस प्रकार से आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया है, जिस प्रकार से आप सब लोगों ने मेरा सम्मान किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं काला पीपल नगर में हूं या देवास की एमजी रोड में घूम रहा हूं। चुनाव पे कुछ भी हो, संगठन का डिसीजन कुछ भी हो, मैं आप लोगों का विधायक हूं और आप मेरे साथी हो और ये हमेशा के लिए तय हो गया है। अगर संगठन ने मुझे टिकट नहीं दिया और किसी कारण से मैं यह चुनाव नहीं लड़ पाया, तो भी मैं आज इस मंच से घोषणा करना चाहता हूं, इस काला पीपल क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, कोई भी टुकड़ा हो, कोई भी जरूरत हो, विक्रम सिंह पवार आपके लिए खड़ा है रास्ते में। आप सब लोग जानते हैं विधानसभा चुनाव हमारे सामने है और गलती से 5 साल पहले किसी न किसी कारण से, मुझे नहीं मालूम क्या कारण हुए होंगे, लेकिन यहां पे कांग्रेस का विधायक आ गया और उस कांग्रेस के विधायक के 5 साल के कार्यकाल में हमारे पूरे काले पीपल में विकास रुका, योजनाएं रुकी, प्रोग्रेस रुका। मैं पिछले 5 दिनों से काला पीपल के पूरे विधानसभा में मेरा भ्रमण हो रहा है, दौरा हो रहा है, गांव गांव जाके कार्यकर्ताओं से मिलने का मुझे मौका प्राप्त हो रहा है। विकास एक जगह, योजना एक जगह, लेकिन एक चीज जो मैंने पूरे काला पीपल विधानसभा में देखी वो ये है कि हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, बहुत सक्षम है, बहुत शक्तिशाली है।
लेकिन कहीं ना कहीं उस कार्यकर्ता की पूछ परख नहीं हो रही है, उस कार्यकर्ता का निर्लक्ष्य किया जा रहा है। इतनी बड़ी की काला पीपल को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व के कमी के कारण और भी दूसरी बहुत सारी समस्याओं के कारण यहां पे हमारे कार्यकर्ता के साथ शोषण हुआ हो रहा है। कांग्रेस का विधायक है, हमारा विधायक भी नहीं है तो इसलिए भी सुनवाई नहीं होती, और भी बहुत कारण है। मैं कारण यहां से बात नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हमारा त्रस्त है, परेशान है, मजबूर है। मैं आप सब लोगों को आज इस मंच के माध्यम से केवल यही एक आश्वासन देकर जाना चाहता हूं, विकास तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। रस्ते बनेंगे, सड़क बनेंगे, योजनाएं घर घर पहुंचेंगी, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। लेकिन इस काला पीपल के कार्यकर्ताओं को अगर मजबूत करना होगा तो आप कभी भी विक्रम सिंह पवार के पास आना, मैं आपको ताकत दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। निश्चित रूप से दावेदारी करना हो टिकट की, विधानसभा चुनाव की, विधायक के लिए लड़ने की, संगठन का जो भी आदेश होगा, संगठन का जो भी निर्देश होगा वो सर्वपरि, संगठन कहेगा आप में कूदना है तो आप में कूद जाएंगे। लेकिन आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, संगठन से निवेदन करना चाहता हूं, जिले के सभी संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको सही मायने में काला पीपल में एक अच्छा प्रोग्रेसिव परिवर्तन चाहिए तो मुझे एक चांस दीजिए, मुझे एक काम करने का एक चांस दीजिए। मैं आप सब लोगों का ध्यान देवास की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, आप सब लोगों के पैसे, मुझे पूरा विश्वास है सब लोगों की कोई ना कोई रिश्तेदारी देवास में तो होगी, मित्रता देवास में तो होगी, जान पहचान वाले देवास में तो रहते ही होंगे। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, उन लोगों से पूछिए देवास में किस प्रकार की राजनीति होती है। कोई जाति को नहीं देखा जाता, कोई समाज को नहीं देखा जाता, किसी वर्गों को नहीं देखा जाता। काम होता है, विकास होता है, न्याय होता है और हम जनता के बीच में सतर्क बने रहते हैं, आप सब लोगों से मिलते रहते हैं, जनता के बीच ही रहते हैं। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को मत सुनिए, लेकिन मेरा रिपोर्ट कार्ड, मेरे परिवार का रिपोर्ट कार्ड, पूर्ण होता है ना रिपोर्ट कार्ड, एक पूरे साल के बाद एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, वैसे ही हमारे परिवार का पिछले 50 साल का रिपोर्ट कार्ड आप देवास से मंगवाइए और देखिए, एक दिन किसी भी क्लास में या किसी भी सेक्शन में अगर हम फेल हुए हो तो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, पैसे का एक रुपए का आरोप कोई नहीं लगा सकता, पूरी श्रद्धा से लोगों के बीच में सेवा करते हुए आज मैं तीसरी पीढ़ी का उस परिवार का व्यक्ति हूं जो देवास में सेवा दे रहा हूं। यहां पे बहुत सारी समस्याएं मेरे को देखने को मिली काला पीपल में, बंटवारा बहुत है यहां पे, लोगों को बांटा गया है अलग अलग वर्गों में, कहीं समाजों में, और एक सबसे मजेदार चीज तो मेरे को जो समझ में आई यहां पे, तो रेलवे के इस तरफ वाले अलग और रेलवे लाइन के इस तरफ वाले अलग है। ये बंटवारा तो मैंने जिंदगी में पहली बार कहीं देखा होगा, वहां का कोई जीत जाए तो यहां की नहीं सुनवाई, यहां की कोई जीत जाए तो वहां वाले की कोई सुनवाई नहीं सुनवाई। ये क्या समीकरण है भैया, काला पीपल के अंदर ही आप लोगों ने बॉर्डर खींच दी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण अगर ये कोई होगा तो काला पीपल के लिए ये विषय है, सबसे पहले हमें इस विषय को खत्म करना है, पूरे काला पीपल को संगठित करके एक विधानसभा बनानी है और वो एक विधानसभा बहुत जल्दी बनेगी। आप सब लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, मुझे एक बार चांस दीजिए। मैं संगठन के पास टिकट मांगने जाने से पहले
मैं जनता के दरबार में आया टिकट मांगने। अगर आप लोग मुझे टिकट देते हैं, आज ये जो कार्यक्रम था हमारा 24 तारीख की समरसता रैली, समरसता रैली अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये था हमारा शक्ति प्रदर्शन। और ये शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस के लिए नहीं था, पार्टी के लिए भी नहीं था, ये शक्ति प्रदर्शन मेरे लिए था। मुझे देखना था, मुझे ये समझना था, मुझे ये जानना था कि क्या काला पीपल की जनता, काला पीपल के कार्यकर्ता मुझे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज ये जो पूरा जन सैलाब मैं देख रहा हूं, इससे हमारा जवाब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो मुझे भरोसा दिया है, जो उत्साह दिया है, जो ऊर्जा दी है, अब मैं जाऊंगा सिंधिया महाराज सीएम साहब और ऊपर के सभी लोगों के पास, और अब मैं हाथ खोल के उनसे काला पीपल का टिकट मांगूंगा। जो भी किस्मत में लिखा होगा, आपकी सेवा करनी होगी विधायक बन के, या आपकी सेवा करनी होगी बिना विधायक बन के, दोनों हम करेंगे। ये मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस मंच से, आप सबका मन से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और कोई विषय में समझता नहीं हूं, बचा और कोई बचा है क्या? आप सब लोग महाराष्ट्र संघर्ष करो, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सब लोगों को मन से बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आज जो आप लोगों ने जो मेरा सम्मान सत्कार किया, मेरा जो स्वागत किया काला पीपल में, और पूरे विधानसभा से जो लोग यहाँ उपस्थित हुए, एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक समाज, एक एक वर्ग को मन की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। देवास से आज आप कलकपल आए हैं, इस रैली का क्या उद्देश्य है? सर्व समाज समरसता रैली आज काला पीपल में निकाली जा रही है, और बहुत ही ऐतिहासिक रैली निकालने का मुझे ऐसा संदेश मिल रहा है। और अभी जो लोगों से जो बात हो रही है, काफ़ी अच्छी संख्या में सभी समाज के, सभी वर्गों के, सभी पंचायतों के, सब यहाँ के लोग निकल के इस रैली में आज शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा मैसेज समाज की एकता के लिए आज इस रैली के माध्यम से पूरे काला पीपल या पूरे शाजापुर जिले में दिया जाएगा। जिस प्रकार काला पीपल जनता का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि काला पीपल से आप चुनाव लड़ेंगे? संगठन का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। हम भारतीय जनता आपके साथ है, क्या मानते हैं आप? संगठन का जो निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा, क्योंकि हर कार्यकर्ता की एक ही परवरिश होती है भारतीय जनता पार्टी की, कि संगठन के आदेश को हम पालन करते हैं।